गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विथ मी। मेरा नाम है मोनुशीता और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली जो ये वीडियो है वो यूट्यूब क्रिएटर्स हो या ऐसे कोई लोग हैं कि वो यूट्यूब में आना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वीडियोज़ डालना चाहते हैं, उनके लिए है, उन लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज मेरे जो मोनेटाइजेशन की जो जर्नी है उसके दौरान मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैंने क्या फील किया, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो YouTube का चैनल है वो बहुत ही पहले ओपन हो चुका था 2017 में फरवरी में। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जो है यूट्यूब का चैनल जो है वो खोल के रखा था। एक्चुअली क्या है, मैंने शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी के बाद बाहर रहूँगी, कहाँ रहूँगी कुछ आइडिया नहीं है, फिर उधर से भी कहीं चले जाना पड़ेगा, तो मैं जो है वो घर पे बैठ के ही जो है मेरा जॉब वगैरह रहेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को शादी से पहले कि मैं यूट्यूब में आना चाहती हूँ। तो उसने 2017 में जुलाई में हम लोगों की शादी थी, फरवरी में ही मेरी जो चैनल है वो ओपन करके रखा था। एडसेंस वगैरह जो है वो सारा प्रोसीड्योर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं शादी के बाद 2-3 महीने ऐसे ही चले गए, थोड़ा सा सेटल हुआ, उसके बाद जो है मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया। मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया 2017 की अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से जो है मेरा फर्स्ट वीडियो गया था। उसके बाद जब मेरा चैनल 2017 की फरवरी में चालू हुआ था उस टाइम पे ऐसा कोई रूल्स नहीं था मोनेटाइजेशन एनेबल करने का। यूट्यूब तभी सभी चैनल्स को मोनेटाइजेशन देता था, तो इसीलिए मेरा चैनल भी मोनेटाइज था। मुझे बहुत ही कम एड्स आते थे क्योंकि मैंने चैनल ओपन करने के बाद, आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है उनमें एड्स नहीं आते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा एड्स नहीं आता था उस टाइम पे। पर 2017 की दिसंबर पर एक नया यूट्यूब ने रूल्स बनाया कि 10,000 व्यूज़ आने के बाद ही जो है आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। तो मेरे चैनल पहले से ही मोनेटाइज था, मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन तब भी बरकरार था और मेरे हस्बैंड ने भी एक चैनल खोला था उस टाइम पे, तो उसके चैनल में जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था। वैसे वो वीडियोस नहीं डालता है पर उसके चैनल में जो मोनेटाइजेशन था वो एनेबल नहीं था। उसके बाद मेरा चैनल बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही, कोई भी चैनल बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता है, उसको टाइम लगता है। तो फरवरी में भी, जनवरी में 2018 में YouTube ने एक नया रूल्स लाया कि 4000 घंटा वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर जिनके पास है एक साल के अंदर, ये क्राइटेरिया जो चैनल फुलफिल कर रहा है उसको ही सिर्फ मोनेटाइजेशन दिया जाएगा। तो जनवरी 20 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया और जनवरी फरवरी 20 से जो है ये जो रूल्स है वो चालू होने वाले थे। YouTube सबको एक महीने की मोहलत दिया और उस एक महीने में बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया, बहुत वीडियो बनाया, अपलोड किया ताकि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल रहे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल में उतना ज़्यादा व्यूज़, उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे। सो 2018 के 20 फरवरी से जो है मेरी चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो डिजेबल हो गया। उसके बाद फिर से मैंने बहुत सारा मेहनत हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन बैठ के मेरे जो चैनल में वीडियोस थे उन वीडियोस को देखा, अच्छे से जांचा कि उस वीडियो में क्या मतलब क्या खराबियां है, क्या क्या मैं गलत कर रही हूँ, सब कुछ मैंने देखा और उन सारे गलती को मैंने नोटिस किया और अगले से जो मैं वीडियो बना रही थी उन सारे गलतियों को मैं नज़र रख रही थी कि वो सारे गलतियाँ जो है वो फिर से उस वीडियो में ना आए। तो इस तरह चलता रहा और मैंने फिर से जो है नए तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे जो चैनल है पहले उसमें ज़्यादातर मैं रेसिपीज़ डालती थी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, जो मेरा पहले से ही जो है मेरा वो इच्छा था। पर शुरू से मैं नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मैं यूट्यूब में नहीं थी, मुझे कैमरा के सामने बात करना उतना अच्छे से आता नहीं था, पर मेरा शौक था। तो उसके बाद से मैंने व्लॉग बनाना आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट कर दिया और मैंने बहुत मेहनत करके एक व्लॉग बनाया था, मुझे याद है हाउसवाइफ डेली रूटीन का। उस व्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया,
मुझे मानो ब्रेक मिला यूट्यूब में और वो व्लॉग बहुत ज़्यादा चला। उसके बाद मुझे याद है मुझे हर एक दिन में 5 से 10 सब्सक्राइबर जो है वो गेन होते थे, जो बहुत कम था। जब मैंने वो व्लॉग डाला, उस व्लॉग डालने के एक दिन बाद से ही मैंने देखा मेरे हर एक वीडियो में तभी 100 से 150 व्यूज़ आते हैं। सब नए यूट्यूबर्स के ऐसे होते होंगे, पहले शुरुआत में 150, 200, 400 ऐसे ही व्यूज़ आते थे, मेरे भी ऐसे ही होते थे। फिर वो जो व्लॉग मैंने डाला पहले दिन में वो 1200 व्यूज़ आए उसमें, और पहले दिन में ही 200 सब्सक्राइबर मुझे गेन हुआ। उसके अगले वाले दिन मुझे 8000 व्यूज़ आए उस वीडियो में। वो वीडियो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। और उस सेकेंड डे को मेरी जो सब्सक्राइबर है वो 400, उस दिन को मुझे 400 सब्सक्राइबर्स मिल गए। सो मेरे तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। मेरे जो सारे ग्राफ है, चाहे वो व्यूज़ के हो, वॉच टाइम के हो, सब्सक्राइबर्स के हो, सीधा ऐसे उठ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैंने 20 अप्रैल, मतलब एक महीने के अंदर ही जो है मुझे अच्छे से ब्रेक मिल गया था यूट्यूब में। बहुत अच्छा सा ब्रेक नहीं मिला था मुझे, पर थोड़ा बहुत मिला था। थोड़ा बहुत मुझे लोग प्यार करने लगे थे, थोड़ा बहुत मेरा जो चैनल है वो चलने लगा था। फिर एक महीने के अंदर ये हो गया था, 20 मार्च को ये हो गया था। तो 26th और 27th, 4 से 5 दिन में ही जो है वो क्राइटेरिया मैंने फुलफ़िल कर लिया था। मेरे सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ गए थे, मेरे वॉच टाइम बढ़ रहे थे, व्यूज़ बढ़ रहे थे, तो मेरा जो वो यूट्यूब का क्राइटेरिया था वो मैंने फुलफ़िल कर लिया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया। तो जो लोगों को पता नहीं है कैसे मोनेटाइजेशन को एनेबल किया जाता है, क्योंकि अभी नए जो चैनल हैं उन सारे चैनल में मोनेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि उन लोगों की क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद ही यूट्यूब हर एक चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया तो आपको पता है, साल भर में आपको 1000 सब्सक्राइबर गेन करना है और 4000 घंटा जो है वॉच टाइम गेन करना है, तभी आपको यूट्यूब से मोनेटाइज किया जाएगा आपके चैनल को। सो यूट्यूब में मैं कैसे करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई, वो मैं छोटी सी आपको बता देती हूँ। पहले यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो, यूट्यूब आपके जो अकाउंट है उसमें जाइए, उसके अंदर चैनल्स में जाइए। चैनल्स में जाके आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा, जिधर पे आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो अगर एनेबल हो गया है तो एनेबल दिखेगा, अगर एनेबल नहीं है तो आपको डिसेबल है, एनेबल करना है तो मोर ऑप्शंस में जाइए। उधर जाके आपको क्राइटेरिया मिलेगा कि अगर आपके चैनल्स में 4000 घंटा वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर है, तो दोनों चीज़ों में जो है आपको टिक मार्क मिलेगा। उधर जाके जो है आपको अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए, और यूट्यूब तब आपके चैनल को अंडर रिव्यू में रखेगा और आपके मेल आएगा कि कितने दिनों के अंदर जो है यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा। तो मैंने जब अप्लाई किया, 1 अप्रैल को शायद मैंने अप्लाई किया था, फिर मुझे उधर लिखा हुआ था कि 7 दिनों के अंदर जो है यूट्यूब टीम मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, मेल करेगा, मेरी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। पर 7 दिनों के बाद कुछ नहीं हुआ, और उधर पे और एक हेडिंग में लिखा हुआ था कि आपको अप्रैल के एंड तक वेट करना है, उसके अंदर हम लोग कर देंगे, आपके पेशेंस के लिए हम लोग आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, आप और पेशेंस रखिए, हम लोग ज़रूर आपके मोनेटाइजेशन को ऑन करेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ एक बॉक्स था, एक मैसेज बॉक्स था। फिर उसके बाद मैंने अप्रैल तक वेट किया, पर मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मोनेटाइजेशन शायद अभी भी ऑन नहीं हुआ है। तो उसके बाद अप्रैल में ऐसा होने के बाद मैंने यूट्यूब फोरम में जो है उसमें मैंने मैसेज किया, कमेंट किया फोरम में जाके कि मेरी मोनेटाइजेशन अभी भी ऑन नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट डाला उधर, तो उधर जाके मुझे देखने के मिला कि मतलब थाउजेंड्स, लाखों में ऐसे शायद लोग थे जिनकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी, जो ऐसे कंप्लेन कर रहे थे उधर जाके, और एक एक चैनल का जो है स्क्रीनशॉट वो लोग डाल रहे थे। मैंने देखा खुद अपने आंखों से कि कोई कोई चैनल का 50-60-1 लाख सब्सक्राइबर्स भी थे, उन लोगों के चैनल में भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था। पर मुझे पता नहीं है कि उन लोगों के चैनल पे क्यों नहीं था, कोई कॉपीराइट स्टिकर या कुछ की वजह से शायद यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल कर दिया है, क्योंकि और कोई रीज़न है, आई डोंट नो, पर उन लोगों की चैनल जो है वो डीमोनेटाइज था। तो सभी लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे थे, और उधर यूट्यूब ने एक
कमेंट के रिप्लाई में बोला था कि आप सारे लोगों को एंड ऑफ जून तक अब सारे लोगों को वेट करना है, उसके बाद उस दिनों के अंदर जो है यूट्यूब सारे चैनल्स की मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन कर देगा। सो ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था। मैंने सोचा था शायद जून के एंड में जाके भी यूट्यूब यही बोलेगा कि अभी आप सितंबर तक वेट करो, सितंबर के बाद जो है आपकी चैनल मोनेटाइज होगा, ऐसे करके यूट्यूब जो है दो दो महीने करके टाइम लेता जाएगा और मेरा चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है एक वीडियो बनाना बहुत सिंपल सी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि घर को झाड़ू पोछा कर रही है, खाना बना रही है, तो सिंपल काम है, इसको वीडियो बना रही है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं लगता है। पर अगर आप कोई काम को वीडियो में शूट कर रहे हैं तो आपको अगर उस काम करने में 10 मिनट लगता है तो विद वीडियो आपको वो काम करने में 15-20 मिनट लगेगा, यानी दुगना लगता है। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल में जो है कैमरा को सेट करना पड़ता है, एक ही एंगल से वीडियो नहीं शूट कर सकते पूरा, एक इधर लगाओ फिर 10 मिनट या 2 मिनट बाद फिर उधर से कैमरा लगाओ, सामने से लगाओ, पीछे से लगाओ, और हर एक एंगल में जब आप कैमरा को लगाएंगे उसका सेटिंग्स देखना पड़ता है, लाइटिंग देखना पड़ता है, फोकस देखना पड़ता है, जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। सो वो करने में टाइम लगता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम आप कर रहे हैं वो विदाउट फोकस में चला गया है, फिर से आपको फोकस में ला के फिर से वही काम करना पड़ रहा है, तो बहुत सारा हार्डवर्क लगता है। उसके बाद उसको लैपटॉप में पेन ड्राइव से हो या मेमोरी कार्ड से हो लो, फिर कन्वर्ट करो, फिर एडिटिंग में 2-2.5 घंटा लगता है, उसके बाद फिर कन्वर्ट करो, फिर सेव करो, यूट्यूब में अपलोड करो, उसमें टाइम लगता है, फिर यूट्यूब में डालने के बाद भी उस वीडियो का अलग से पिक्चर बनाओ, फिर पिक्चर को एडिट करो, क्योंकि पिक्चर के एक साइज़ है यूट्यूब में, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, यूट्यूब का जो वो पिक्चर है, जो पिक्चर आप देखते हैं वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, वो पिक्चर का एक अलग साइज़ होता है, हर एक पिक्चर उसमें फिट नहीं होता है। सो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग टू उस पिक्चर को सेट करना पड़ता है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फिल करो, टाइटल फिल करो, टैग्स फिल करो, बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर आप कोई म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं और उसका कोई राइट मतलब जो वो गाना गाए हैं उनका कुछ लिंक्स वगैरह है तो वो डालना पड़ता है, सब कुछ डालने में आधे से एक घंटा लगता है, फिर उसको शेयर करो, बहुत सारा प्रोसीड्योर रहता है। एक वीडियो शूट करने से लेके एक वीडियो को अपलोड करने तक 10-12 घंटे की जो है वो वर्क लगता है, तो इतना अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो ऑफकोर्स उनका हक बनता है कि उनसे उसका कुछ अर्निंग आए। सो मैं भी बहुत प्रेयर कर रही थी कि मेरी जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए और यूट्यूब को एज अ जॉब मैं ले सकूँ, पर नहीं हो रहा था। अप्रैल चले गए थे, मई चले गए थे, जून के 15 चले गए थे और मैंने ठान लिया था कि मैं यूट्यूब से अर्न नहीं कर सकती, मेरा जो चैनल है मोनेटाइज नहीं होगा, मेरा जो चैनल है वो एकदम फ्रेश है, कोई भी स्टिकर्स, कोई भी कॉपीराइट कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा था। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखे जो लोग बहुत बोल रहे थे कि नए वीडियो जो बना रहे हैं, नए जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, नए छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स है उसके साथ यूट्यूब अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, उनको मेल नहीं करते हैं, उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं करता है। वैसे यूट्यूब के साथ कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यूट्यूब के पास मैं मेल नहीं कर सकती, जो बहुत बड़े यूट्यूबर है एकमात्र उनके पास ही वो राइट्स होता है, उनके लिए भी यूट्यूब ने एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है, जो वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उनको ही मौका मिलता है यूट्यूब के साथ मेल में बात करने का। सो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा लोग बोल रहे थे, तो इसीलिए मेरे दिमाग में भी वो बैठ गया था। पर कैमरा मेरा पैशन है, खाना बनाना मेरा है, मतलब हॉबी है, आपको पता है, तो इसीलिए मैं जो है इस काम को रोक नहीं सकती थी, करे जा रही थी, मैं देख रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि और 6 महीने करो, अगर कुछ नहीं होता है फिर तुम अलग से कुछ करना, कुछ हैंडीक्राफ्ट वाला कुछ क्रिएट करना, ऐसा घर पर कुछ करना, तो उन सारे चीज़ में मेरे दिमाग में आ रहा था, उन सारे जो वीडियोस है जो लोग बना रहे थे कि यूट्यूब अब नहीं देगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ भी दिमाग में आ रहे थे मेरे। पर ये गलत है जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यूट्यूब नए यूट्यूबर को मौका नहीं देना चाहते, ये एकदम गलत है, यूट्यूब ज़रूर मौका देना चाहते हैं, इसीलिए मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है। और
जून के 21 को मुझे याद है मैं वॉशरूम गई थी, उसके बाद निकल के मैंने फ़ोन उठाया और बस एक ऐप है YouTube स्टूडियो नाम का, जो भी YouTube क्रिएटर्स है अगर आपके पास YouTube स्टूडियो नहीं है तो उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है। YouTube में सारे वीडियो की बहुत अच्छे से एनालिसिस उसमें दिखाता है, तो मैं हर 10 मिनट में वो ऐप एक बार चेक करती हूँ। तो उस ऐप में मैंने खोल के देखा कि मेरे हर एक वीडियो के बाजू में एक ग्रीन कलर का डॉलर वाला एक साइन आ गया है, तो मैं ऐसे ऐसे सीना ऐसे पकड़ के बैठ गई। मैंने सोचा क्या मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, मैंने लिटरली क्या बोलूँ रोना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि एक चीज़ जो बहुत दिनों से अब वेट कर रहे हैं, मुझे करीब 2 से 2.5 महीना वेट करना पड़ा उसके बाद जो है मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ, तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उसने बोला कि मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पे, तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। मैं फ़ोन से स्क्रीनशॉट भेजी, लैपटॉप ऑन करके लैपटॉप से स्क्रीनशॉट भेजी, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे एक वीडियो ओपन किया, फ़ोन पे थी मैं, एड्स आया तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गया, लाइक उसके कोई फेवरेट फुटबॉल टीम फुटबॉल मैच जीत गया ऐसे उसने यस यस ऐसे बोला। उनके कॉलीग्स को भी ऐसा देख के पता चल गया कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, क्योंकि उनके ऑफिस में भी मैं काफ़ी फेमस हो चुकी हूँ। बहुत सारे लोग मेरे हस्बैंड को आके ऐसे बोलते हैं कि अरे मैंने भाभी का ये वाला वीडियो देखा, वो वाला वीडियो देखा, तो वो सारे लोगों को भी पता था कि मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन नहीं है। सो बहुत सारे खुशियाँ आ गई उस दिन मेरे हाथों में। फिर मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगी, पर खुशियाँ में शामिल हो गई और भूल गई। पर मुझे ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ये जो जर्नी था, इस जर्नी में मैंने क्या क्या फेस किया। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही थी, पर उसके लिए मुझे कुछ भी मतलब होता है ना, अगर आप किसी चीज़ में जुड़ गए हैं, आपका माइंड सेट हो गया है, फिर भी आप नहीं हो रहे हो वो, तो थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला नहीं होगा, रुको, तुम 2-3 महीना टाइम लगेगा। मैंने YouTube फोरम में देखा बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, 5-6 महीने से वो लोग वेट कर रहे हैं, उन लोगों का अभी तक मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं हुआ है। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी, पर शुक्र है कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अगर इसी प्रॉब्लम में हैं तो थोड़ा सा और अपने अंदर पेशेंस रखिए। आपके जो चैनल है अगर उनमें कोई भी कम्युनिटी कोई भी मतलब कॉपीराइट स्टिकर या कुछ भी नहीं है, फ्रेश है आपका चैनल, तो आपका चैनल में भी है जो है बहुत ही जल्दी से मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला है। सो प्रेयर कीजिए भगवान से कि आपका भी जल्दी जल्दी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक सब्सक्राइबर शायद आपके लिए कुछ भी ना हो पर मेरे लिए बहुत है। आपके ये जो सारी इंस्पिरेशन है, इनसे ही मुझे ये सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करता है अच्छे वीडियो डालने के लिए और आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करने के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।